Namaskar, welcome to SST College. This is SST Edupedia. Myself Jyoti Nitin Patil. आज मैं आपको कक्षा 11वीं के विषय हिंदी में जो गद्य विभाग है, इस गद्य विभाग का जो छठा पाठ है पाप के चार हथियार, इसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। पाप के चार हथियार, इस पाठ के लेखक है कन्हैया लाल मिश्र, जिन्हें साहित्य जगत में प्रभाकर नाम जी से जाना जाता है। इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, लेखक का परिचय देखते हैं। हमारे जो लेखक है प्रभाकर जी, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में 26 सितंबर 1906 को हुआ। हिंदी जगत में कथाकार, निबंधकार तथा पत्रकार के रूप में ये विख्यात रहे हैं। मतलब हिंदी साहित्य जगत में उन्होंने कथाकार की भूमिका भी निभाई है, एक अच्छे निबंधकार भी हैं और पत्रकारिता क्षेत्र में भी वो अच्छे काम उन्होंने किए हुए हैं, प्रख्यात है। साहित्य और पत्रकारिता को समाज के साथ जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया है। मतलब जब वो साहित्य लिखान करते थे तब पत्रकारिता क्षेत्र, उन दोनों को एक साथ जोड़कर उन्होंने समाज को उसके द्वारा उनका प्रबोधन करने का काम किया है। इनके साहित्य की जो भाषा रहती है वो बहुत सहज रहती है, सरल भाषा रहती है, जिसकी वजह से पाठकों को वो बड़ी आसानी से समझ में आती है, तथा वे स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। इनके कहानी संग्रह है धरती के फूल, निबंध संग्रह है जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, तथा उन्होंने संस्मरण एवं रेखा चित्र का भी लिखान किया हुआ है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, ये इनकी प्रमुख कृतियां रही है। इनकी जो विधाएं, मतलब ये जो पाठ है कौन सी विधा में लिखा गया है, उस विधा का हम परिचय लेते हैं। असल में ये एक पाठ निबंध है। निबंध का अर्थ होता है विचारों को व्यवस्थित रूप से बांधना, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक गद्य विधा है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी गद्य विधा में ही आता है, तो निबंध भी एक गद्य विधा होती है। निबंध विधा में पारंगत व्यक्ति अन्य विधा में सहजता से लिख सकता है, यानी जो साहित्यकार निबंध इस विधा में पारंगत होता है, पंडित होता है, वो हर एक विधा में भी अच्छे तरीके से लिख पाता है। इस विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व है, मतलब हमारी जो सोच है वो हमारे निबंध के द्वारा, यानी साहित्यकार की जो सोच है उसकी जो सोच बनती वो समाज में रहकर ही बनती है। ये सोच यानी वैचारिकता इसमें अहम भूमिका निभाती है। विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखना यह एक प्रभावशाली काम होता है, जो निबंध के द्वारा अच्छे तरीके से हो सकता है। पाठ का परिचय लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक निबंध की विधा है, तो इस निबंध के माध्यम से लेखक ने समाज की मानसिकता का पर्दाफाश किया है, यानी समाज करता कुछ है, बोलता कुछ है और उसकी मानसिकता कुछ और ही होती है, यही दिखाने का काम इसमें किया हुआ। एक विडंबना उसमें दिखाई दी गई है समाज के बारे में। महापुरुषों के विचारों को परास्त करने के लिए समाज कौन से हथियारों का उपयोग करता है, ये इस पाठ द्वारा दिखाने की कोशिश लेखक ने की है। इसकी विडंबनापूर्ण खोज का वर्णन इस पाठ में हुआ है। चलो पाठ के लिए शुरुआत करते हैं। पाठ का सारांश हम देखते हैं। जैसे कि इस चित्र में आपको दिख रहा है कि संत कुछ ना कुछ कहने का वहां पर प्रयास कर रहे हैं। देखो, जब भी संत महात्मा कुछ भाषण करते हैं, कीर्तन करते हैं या उनका कुछ सेशन होता है, तो उस सेशन के द्वारा वो क्या करते हैं, समाज में जितनी भी व्याप्त बुराई है वो बुराई वो नष्ट करने की कोशिश करते हैं। हर एक इंसान में कुछ अच्छी बातें तो होती है लेकिन बुराई भी होती है। इंसान के व्यक्तित्व के भी दो पहलू होते हैं ना, एक अच्छा एक बुरा। तो समाज में अच्छाई तो है ही लेकिन उसके साथ बुराई भी बहुत मात्रा में फैल चुकी है। तो ये संत बिचारे अपने कीर्तन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा क्या करते हैं, इस बुराई को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़े महान संत हो चुके, महात्मा पुरुष हो गए, पैगंबर हो गए,
लेकिन समाज में जितनी भी बुराई थी वो उसे मिटा नहीं पाए, क्योंकि समाज में पुण्य तो है लेकिन पुण्य के साथ पाप का भी बोलबाला है। तो ये पाप मिटाने की कोशिश वो हमेशा करते हैं लेकिन हमेशा वो असफल रह जाते हैं। तो संतों के प्रयास जो है या फिर विफल हो जाते हैं, यही दिखाने की कोशिश इस पाठ में की हुई है। अभी पाप जो है वो अपना हाथ पांव कैसे फैला रहा है, यानी पाप जो है वो नष्ट क्यों नहीं हो रहा है, उसके कुछ कारण है। वो चार कारण यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि मेरे स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, उपेक्षा, निंदा, हत्या, श्रद्धा, ये पाप के चार हथियार है, ये शस्त्र है पाप के, जिनके द्वारा पाप नष्ट नहीं हो रहा है अपना फैलाव बढ़ा रहा है। तो शुरुआत करते हम उपेक्षा से। जो संत महात्मा महापुरुष होते हैं, पैगंबर होते हैं, वो क्या करते हैं, महावीर होते हैं, वो क्या करते हैं, बुराई नष्ट करने की कोशिश करते हैं, बुराई मिटाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो कुछ कीर्तन, कुछ अपने विचार लोगों को देते हैं। और लोग भी अजीब ही होते हैं, हमारा समाज भी अजीब है, बैठता है संतों के प्रवचन सुनने के लिए, उनका कीर्तन सुनता है, उनके विचार सुनते हैं, वहां तो बड़ी श्रद्धा के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन जब वो पीछे हट जाते हैं, संत महात्मा चले जाते हैं, तो उनकी उपेक्षा की जाती है कि ये क्या बोल रहा है, ये भी ऐसा करता रहेगा क्या, तो ऐसी उसकी उपेक्षा की जाती है। मतलब वहां पर हम सुन लेते हैं और वहां से बाहर निकले तो हम उनके विचारों की उपेक्षा कर देते हैं, भूल जाते हैं। मतलब लेने के लिए तो लेते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल हम अपने लाइफ में नहीं करते। जिंदगी में जब वो विचार मतलब एप्लीकेबल होने चाहिए, वो समय वो विचार हम नहीं अपनाते, हम कुछ बुरे विचारों में ही चले जाते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं। उसके बाद संत महात्मा ने कुछ अच्छे विचार दिए, कीर्तन के, बुराई को मिटाने का प्रयास किया, तो बाद में उनकी निंदा भी की जाती है, ये कैसा महात्मा है, ये कैसा संत है, ये खुद भी ऐसा रहेगा क्या, जो दूसरों को इतना ज्ञान बांट रहा है इसको ज्ञान है क्या। मतलब क्या होता है, एक तो उनके बातें सुनकर भी अनसुनी की जाती है, बाद में उनकी निंदा भी की जाती है। तो ये हमारे समाज में व्याप्त बहुत बड़ी बुराई है, इसका ही विडंबना पर निबंध लेखक ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। देखो अभी ये संत महात्मा बेचारे अच्छे काम कर रहे हैं, बुराई मिटाने का काम कर रहे हैं, इनके विचार जैसे जैसे फैलते जाते हैं, पाप को डर लगने लगता है कि अभी मेरा जो अस्तित्व है वो मिट जाएगा, तो पाप अपना तीसरा हथियार निकालता है, वो होता है हत्या। मतलब ऐसे संत महात्मा पुरुषों की हत्या की जाती है और हत्या करने के बाद दिखावा किया जाता है, उनकी जयंतियां मनाई जाती है और उनके विचार मात्र दफनाए जाते। पाप भी वहां पर नाटक करता है कि अच्छा पुरुष था, अच्छे ज्ञान दे रहा था, उसकी हत्या तो कर देते हैं, हत्या होने के बाद भी उनके विचार नहीं मिटे, उन्होंने समाज में जितने भी अच्छे विचार फैलाए हैं वो मिटते नहीं है, भले वो संत मिट जाते हैं, वो मर जाते हैं, लेकिन उनके विचार नहीं मरते हैं। और ऐसे समय पर पाप और ज्यादा डर जाता है, तो पाप अपना जो अंतिम शस्त्र है, जो एकदम प्रभावशाली है, वो शस्त्र निकालता है, वो शस्त्र होता है श्रद्धा। क्या होता है, ये जो महापुरुष मर जाते हैं उनकी हत्या तो की जाती है, बाद में इनके पुतले बनाए जाते हैं, इनकी जयंतियां मनाई जाती है। हम लोग भी बहुत अच्छे अच्छे जो संत महात्मा महापुरुष हो चुके हैं, जो पैगंबर हो चुके हैं, उनकी जयंतियां तो मनाते हैं, शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं, लेकिन जयंती तो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन उनके विचार जो है उन्हें हम दफन कर देते हैं। मतलब उनके जो अच्छे विचार होते हैं वो दफनाए जाते हैं और उनकी मूर्तियां निकाली जाते हैं, बड़े ही जोरों शोरों से उनकी जयंतियां मनाई जाती है। ये तो हमारे समाज की असल विडंबना है। तो यही इस माध्यम से बताया गया है, श्रद्धा दिखाई जाती है। श्रद्धा दिखाने का माध्यम क्या, तो जयंती मनाना, हाँ उनकी जयंती होती है, छुट्टियां मनाते हैं, उनके विचार हम क्यों नहीं अपनाते हैं। अगर उनके विचार हम अपनाएंगे, श्रद्धा दिखानी है तो उनके विचार का आप अवलंब करो, न कि उनकी जयंतियां मना, उनके फोटो लगाओ, उनकी पूजा करो, उनको इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको फर्क कब पड़ेगा, जब उनके विचार हम अपनाएंगे और समाज में व्याप्त बुराई जो है उसे हम मिटा पाएंगे। तो यही पाप के जो चार हथियार हैं, जो समाज में पुण्य तो है लेकिन पाप का फैलाव बढ़ा रहा है।
इस समाज में अच्छे तरीके से अपने हाथ पैर जमा चुका है। यही विडंबना पर निबंध लेखक ने इस पाठ में प्रस्तुत किया है। इस पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, वो हम देखते हैं। देखो, ढांचा, ढांचा यानी आधार। महत्ता, महत्ता का मतलब होता है महत्व। अंबार, अंबार का महत्व होता है ढेर। पैनी, पैनी का मतलब होता है तीक्ष्ण, नुकीला। पीड़ित, पीड़ित का मतलब जो पीड़ा सहता है, पीड़ा सहने वाला होता है पीड़ित। पीड़क, पीड़क का मतलब जो पीड़ा देता है, पीड़ा देने वाला होता है पीड़क। चोट, चोट का मतलब होता है प्रहार। संसार, संसार का मतलब हमारी दुनिया। एकांगी, एकांगी यानी एक पक्षीय, यानी एक ही तरफ से सोचना। शस्त्र, शस्त्र का मतलब होता है हथियार। पूंज, पूंज का मतलब इस पाठ में समूह ये लिया गया है। विद्रोह, विद्रोह का मतलब होता है विरोध में प्रदर्शन। विवश, विवश का मतलब होता है मजबूर होना। बेवकूफ, बेवकूफ का मतलब होता है मूर्ख। प्रखर, प्रखर का मतलब होता है तीव्र। शहादत, शहादत का मतलब होता है त्याग। नारा, नारा यानी घोषणा। लोकोत्तर यानी सामान्य लोगों से श्रेष्ठ स्तर। तो ये इसके कठिन शब्द थे। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया रहेगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे पार्ट अगर आपको हिंदी के देखने हैं तो आप हमारा SST चैनल का जो एडुपीडिया है, SST एडुपीडिया, वहां पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।